हेलो नमस्कार दोस्तों, 4 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं कि कौन सा एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक बार ओरियो में हम देखते हैं, यहाँ पे जो एडिटोरियल है छोटे वाला एडिटोरियल, इस एडिटोरियल में बेसिकली बताया गया है कि जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं कि एक अच्छा स्टेप है जो कावेरी अथॉरिटी बनाई गई है, उससे काफ़ी कुछ बेनिफिट होने वाले हैं। उसकी मीटिंग वगैरह हुई है तो उसके बारे में कुछ जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे जो आर्टिकल ही आया है मेनली यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके साथ थोड़ा ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का इफेक्ट वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हैं वो की गई है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है, ये बड़ा वाला आर्टिकल 2nd नंबर का, इस आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया है कि देखो कबीर साहब की अभी 500वीं एनिवर्सरी आ रही है और इस मौके पे गवर्नमेंट है वो कुछ अच्छा स्टेप नहीं उठा रही है। बाकी जो अच्छे अच्छे और राइटर्स वगैरह थे या जो और अच्छे लोग थे उन्होंने क्या किया था, कबीर की जो आप बोल सकते हो एक तरीके से उनकी बुक्स या उनके जो थॉट्स थे उन्हीं को कॉपी किया और उन्हीं को यूज़ किया, तो लोग उनको तो गवर्नमेंट है वो किसी को प्राइज़ वगैरह दे रही है, किसी को अवार्ड वगैरह दे रही है, बट कबीर की भी जो एनिवर्सरी आ रही है इसको भी गवर्नमेंट है वो एक तरीके से मतलब इन्जॉय है वो एक तरीके से सम्मानित इनको नहीं कर रही है। तो उस चीज़ को लेकर राइटर थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखो भाई कबीर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा था तो उनके कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हमें भूलना नहीं चाहिए, उनके भक्ति मूवमेंट को या क्रिश्चियन टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था हमें, तो वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि किस तरीके से कबीर ने सपोर्ट हमें किया था, वो सारे फीचर्स यहाँ पे हैं। तो कुछ ज़्यादा पॉइंट्स इसमें है नहीं, बस राइटर का यहाँ पे मैंने यही कहना है कि देखो उनकी 500 डेथ एनिवर्सरी है और इस मौके पे गवर्नमेंट कोई अच्छा एक्शन नहीं ले रही है, अदरवाइज ऐसा होना चाहिए कि जो और अच्छे राइटर्स वगैरह हैं उन्होंने कबीर की दुआनी है, कबीर के काफ़ी कुछ दोहे वगैरह हैं उनका यूज़ किया है, इवन जो पोइटर वगैरह हैं आप देख सकते हो और भी जो हिंदी के लिटरेचर के कवि वगैरह हैं उन्होंने आपसे काफ़ी चीज़ें ली हैं, तो गवर्नमेंट उनको तो अवार्ड देती है। तो यहाँ पर जो कबीर की 500 डेथ एनिवर्सरी है इसको गवर्नमेंट को एक तरीके से सम्मानित के तौर पर यूज़ है वो करना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर आर्टिकल में बताई गई हैं। ये यहाँ पे साइड का जो आर्टिकल है वो बेसिकली आया है अफगानिस्तान के बारे में कि किस तरीके से अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान का क्या रोल है, और जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाले हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है इंटरव्यू है आज, तो इंटरव्यू में कुछ खास पॉइंट आए नहीं है बुधवार को, तो इसे हम डिस्कस नहीं कर रहे, पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस आर्टिकल में डिस्कस है वो किया गया है। इसके बाद में यहाँ पे जो आर्टिकल है साइड का, ये इस आर्टिकल में देखो ये कहा गया है कि इंडिया का कल्चर थोड़ा अलग है, तो इंडिया के स्टूडेंट जब फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो मेनली यहाँ पे फोकस किया गया ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे काफ़ी कल्चरल प्रॉब्लम उनको आती हैं, तो इस तरीके से वो काफ़ी डिफरेंट मतलब अपने को अलग महसूस करते हैं, अलग थका हुआ, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप उठाने चाहिए, आपस में कल्चरल रिलेशन है टाइज हैं वो इम्प्रूव करने चाहिए, ये बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। थोड़ा कि फैमिली है वो करना चाहिए, अभी लोग क्या थोड़ा कम्फर्ट फील नहीं करते हैं वहाँ पे स्टूडेंट हमारे, तो उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रोग्राम वगैरह ऐसे चलाने चाहिए, अकेडमिक रिलेशन को इम्प्रूव करने के साथ कल्चरल रिलेशन पर भी हमें फोकस है वो करना चाहिए, तो वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में कुछ खास पॉइंट है नहीं है, तो इससे हम यहाँ पे डिस्कस है वो नहीं कर रहे हैं। तो चलते हैं अब हमारी डिस्कशन की तरफ। ये सबसे पहले हम आज देखेंगे अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में कि क्या इशू चल रहा है सारा अफगान के बाद में। देखो थोड़ा हम बैकग्राउंड के साथ देख लेते हैं, आपको पता है कि पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही एरिया था, तो उस टाइम पे भारत और अफगानिस्तान को एक लाइन अलग करती थी जिसका नाम था डूरंड लाइन, तो डूरंड लाइन थी अफगानिस्तान और आज के टाइम की जो पाकिस्तान है उन दोनों के बीच में हो गई आज, तो वो एक चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए। अब बात यहाँ पर की जा रही है कि देखो अफगानिस्तान है वहाँ पर तालिबान है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, वो तालिबान तो बड़ी बढ़ रहा है, इसके साथ वहाँ पर अहम बात यह की जा रही है कि वहाँ पर ISIS है उसका भी दबदबा बढ़ता जा रहा है। अब आप जानते हो कि ISIS और तालिबान अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं तो ना वो इंडिया के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है, और इसलिए यूएसए वहाँ पे लगातार कोशिश ये करता है कि यार कुछ भी हो वहाँ पे तालिबान की सत्ता नहीं हो, बट रिसेंटली वहाँ पे हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि लगभग 50% वाला एरिया है उस पर तो तालिबान का दबदबा है और 50% के एरिया पर वहाँ की गवर्नमेंट है उसका दबदबा है, तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि यार चलो तालिबान के साथ बातचीत करके शांति से अगर काम करें यहाँ पे तो बात बनेगी, अदरवाइज लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। तो राइटर का ये कहना है कि देखो पाकिस्तान है वो इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे तालिबान और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट हो दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि पाकिस्तान है वो आप जानते हो कि एक हेवन कंट्री है टेररिज्म के लिए, और इसलिए पाकिस्तान लगातार तालिबान को सपोर्ट करता रहता है और इवन जो टेररिस्ट हैं वो लगातार पाकिस्तान में बनते हैं, तो वही बात यहाँ पे राइटर का कहना है कि पाकिस्तान एक ग्राउंड है वो तैयार करके दे रहा है तालिबान को कि हाँ भाई ठीक है आप यहाँ पे सत्ता में आ जाइए फिर हम मिलकर राज करेंगे ये वगैरह, वो सीन यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया जा रहा है। फिर राइटर देखो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पे ग्राउंड तो तैयार कर ही कर रहा है, पर यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है या यूएसए की जो अफगान पॉलिसी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले कि यूएसए की जो अफगान पॉलिसी है उसमें यूएसए का ये प्रावधान है कि भाई वहाँ से तालिबान की सत्ता को हटा के फेंका जाए, इसलिए यूएसए ने वहाँ पर मदरोव जो ऑलबम था वो भी वहाँ पर गिराया था, वहाँ पर काफ़ी टेक पे टेक की वहाँ पर अपनी आर्मी है वो भेज रखी है, और इवन उन्होंने लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जैसे उन्होंने इंडिया से कहा था कि भाई आप भी वहाँ पर अपनी मिलिट्री है वो वहाँ पर भेजिए, तो इंडिया ने क्लियर कहा था कि देखो हम वहाँ
पे मिलिट्री इंटरवेंशन है वो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केवल और केवल सॉफ्ट पावर का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया चाबहार पोर्ट के थ्रू वहाँ पे कनेक्टिविटी कर रहा है। इसके साथ इंडिया की जो सेंट्रल एशिया की जो पॉलिसी है उसके अंदर अफगानिस्तान का काफ़ी अहम रोल हो जाता है। और देखा जाए तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो काफ़ी इसे सपोर्टिव है कि उससे अफगानिस्तान को फ़ायदा होने वाला है। अफगानिस्तान में इंडिया ने जारास डेलाराम हाईवे वहाँ पर भी काफ़ी पैसा इंडिया ने दिया था, हाईवे बनाने में भी हेल्प की थी। इवन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया द्वारा फंडेड हैं, वहाँ की पार्लियामेंट के लिए जो पैसा था लोन था वो इंडिया ने दिया था। इंडिया वहाँ पे लगातार अपना एक तरीके से डेवलपमेंट के एरिया में लगातार अपना एरिया या आप बोल सकते हो कि अपना कवरेज है वो बढ़ाता जा रहा है। और अफगानिस्तान के अंदर बात की जाए यूएसए की, तो यूएसए वहाँ पे क्या कर रहा है, लगातार मिलिट्री इंटरवेंशन की हेल्प से तालिबान को खाड़ के फेंकना चाह रहा है। इंडिया ने अपनी पॉलिसी में क्लियर कह दिया था कि हाँ भाई हमें अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे, बाकी हमसे जो कुछ होगा हम वो अच्छा वहाँ पर करने वाले हैं। तो ये तो थी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब बात आगे की जा रही है कि देखो सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी के लिए जैसा हमें पता है कि अगर हमें सेंट्रल एशिया के स्टेट या कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी रखनी है तो अफगानिस्तान हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाता है। इसीलिए इंडिया है वो ईरान की हेल्प से चाबहार पोर्ट के द्वारा जारान गलाराम हाईवे उसके थ्रू अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी कर रहा है, और एयर रूट है वो भी अभी ओपन हो गया था ट्रांसपोर्ट के लिए अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। तो मतलब इंडिया लगातार रिलेशन को इम्प्रूव कर रहा है ताकि अफगानिस्तान में चाहे कुछ भी हो तालिबान ना आए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के रिलेशन तालिबान के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसलिए इंडिया कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा कि वहाँ पर तालिबान के सताए, जबकि पाकिस्तान है वो लगातार सपोर्ट कर रहा है कि भाई वहाँ पे तालिबान है वो सत्ता में आए, वो वहाँ पे अपना लीड रोल है वो निभाए। तो ये रिसेंटली वहाँ पे हालात हैं वो चल रहे हैं। देखो अब बात ऐसी है कि अगर वहाँ पे कोई सोल्यूशन अभी नहीं निकाला जाता है तो इस चीज़ का फ़ायदा वहाँ पे सबसे ज़्यादा उठाने वाले हैं वो दो ही लोग हैं। पाकिस्तान को भी इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना मिलने वाला है आईएसआईएस को और तालिबान को, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी टेररिज्म से पीड़ित है। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं है, वहाँ पे भी आतंकवाद बहुत है। तालिबान वहाँ पे अपना डाउट जमा लेगा, जैसे कि पाकिस्तान है वो तो ऐसे कहता है कि तालिबान दो तरह का है, गुड तालिबान और बैड तालिबान। भाई तालिबान तो तालिबान ही है, सबको नुकसान पहुँच जाएंगे वो, बट यूएसए की पॉलिसी है वो थोड़ी तालिबान को लेकर ऐसी कि हाँ भाई तालिबान है बस खतरनाक चीज़ है और हमें इसको ख़त्म करना है, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी है कि भाई तालिबान अच्छा भी है और बुरा भी है। जो अच्छा है वो उनके अकॉर्डिंग काम करता है तो वो अच्छा हो गया, जो बुरा हुआ है जो उनके वहाँ पे बम धमाके करते हैं वो, ये भी पाकिस्तान की हालात हैं। और अगर देखो इस चीज़ का फ़ायदा, अगर वहाँ पर लड़ाई ऐसी जल्दी रही तालिबान और देखा जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट में, मतलब यहाँ पर राइटर का ये कहना है कि देखो अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में अगर लड़ाई चलती रही तो इस चीज़ का फ़ायदा आईएसआईएस उठा सकता है, क्योंकि अभी आईएसआईएस के पास कोई ग्राउंड नहीं है और आईएसआईएस के लिए फर्टाइल ग्राउंड दे रहा है वहां पे तालिबान और जो वहां की गवर्नमेंट है उसके बीच में लड़ाई। क्योंकि अभी जैसे हमें पता है कि सीरिया हुआ, इराक हुआ, उस यमन वाले एरिया से लगातार आईएसआईएस उसको खत्म कर दिया गया ऑलमोस्ट, तो वहां से कोई उनकी जड़ें नहीं जमी हुई हैं। तो इसलिए आईएसआईएस सोच रहा है कि यार कहीं ना कहीं तो पैर पसारे जाएं और उसी के लिए अच्छा ग्राउंड मिल जाएगा उसे अफगानिस्तान। तो राइटर का कहना है कि देखो बातचीत के द्वारा अगर सोल्यूशन किया जाता है, दोनों के बीच में शांति भी होती है तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर वहां पर लड़ाई हो रही है और आईएसआईएस का वहां पर दबदबा बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि सेंट्रल एशिया के एरिया में भी एक तरीके से सिविल वॉर या आप बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो किरण का मैदान है, मतलब लड़ाई का मैदान है वो बन जाएगा, और वहां पे भी सिविल वॉर की तरह ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक तरीके से पाकिस्तान है वो तो वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पर काम कर ही रहा है, बट अगर वहां पर बातचीत के द्वारा अभी सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है तो हालात ही हो जाएंगे कि सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द इस चीज का हमें सोल्यूशन है वो कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, कि अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी उसकी बात हुई थी तो वो वहाँ पे बना दी गई है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, इसके बाद इसको बनाने की बात वो की गई थी कि भाई पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या करना है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, जैसे ये मान लो कि हमारा साउथ एशिया, साउथ इंडिया, और यहाँ पे है हमारा कर्नाटका है, और यहाँ पे ऊपर है महाराष्ट्र, और ये यहाँ पे केरला, और ये यहाँ पे है तमिलनाडु, एक सेकंड, कुछ ऐसे ऐसे स्टेट हैं। देखो आप मैपिंग का इस तरह के छोटे छोटे मैप हैं वो आप मेंस के जो आंसर राइटिंग है वहाँ पे इस तरह के मैप बना सकते हो, जैसे कावेरी वाटर मैनेजमेंट के बारे में कुछ आ रहा है या कावेरी का कोई और रेगुलेशन आ रहा है तो वहाँ पे हल्का सा ऐसे जल्दी से मैप बना सकते हो कि कावेरी रिवर ऐसे ऐसे फ्लो करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कावेरी रिवर का मैक्सिमम हिस्सा तमिलनाडु वाले एरिया में है, बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह वो केरला में भी है और तमिलनाडु केरला में और गोवा में भी है, गोवा साइड में छोटा सा आ गया। तो अब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब देखो ये सॉरी एक सेकंड मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अभी जो कावेरी इशू था उस चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को दे दिए थे, बट उसके बाद उन वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है CWMA वो बना दी गई थी और उसकी भी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग को लेकर आर्टिकल आया है। ऐसा मैंने आपको बताया कि कावेरी रिवर वो मेनली दो स्टेट की है, एक तो है कर्नाटका और तमिलनाडु की, बट इसके अलावा इसकी कुछ ट्रिब्यूटियाँ वो केरल से भी आती हैं, तो इसलिए और कुछ ट्रिब्यूटी पुडुचेरी से भी आती हैं, तो ये यहाँ पे चार स्टेट इंक्लूड कर दिए जाते हैं।
2018 में प्रावधान ये किया गया है कि जो भी रिसेंटली वर्डिक्ट आया है उसमें कि देखो भाई कर्नाटका को पानी की जरूरत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे बेंगलुरु सिटी है, उसको भी पानी की डिमांड है, नई बढ़ती हुई सिटी है, तो इसलिए पानी का जो हिस्सा है वो थोड़ा कर्नाटका का इंक्रीज़ कर दिया गया था। अब कितना क्या इंक्रीज़ किया है, कितना क्यूबिक मीटर, वो हमें याद नहीं रखना, क्योंकि यूपीएससी ऐसे नहीं पूछती कितना क्यूबिक वगैरह बढ़ाया। बस ये ध्यान रखना कि कर्नाटका का हिस्सा थोड़ा इसलिए इंक्रीज़ कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे बेंगलुरु सिटी के डेवलपमेंट के लिए। अब जो CWM जो अथॉरिटी बनाई गई है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राइटर के द्वारा कहना है कि इस बॉडी को ढंग से काम करना चाहिए इंडिपेंडेंट रूप से। अगर ये बॉडी पॉलिटिकल विल के साथ इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रही है तो इसका मतलब है कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो भी विवाद था उसका आपस में सर्वसहमति बन सकती है। अगर देखो दोनों के बीच में, दोनों स्टेटों के बीच में लड़ाई होती है मेनली कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, तो ये बॉडी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। और अगर इस बॉडी में कोई धांधलीबाजी होती है तो आप बोल सकते हो कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रभावित करेगी और उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो हो जाएगा। अब इसके बाद में राइटर ये बता रहे हैं कि देखो जो अभी रिसेंटली आपको बताया, इस बार हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कहा था कि हाँ भाई बारिश खूब अच्छी होने वाली है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बारिश का सीज़न चल रहा है। और ऐसे मौके पे वहाँ पे भी एक मीटिंग हुई थी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और इस मीटिंग में क्या होता है कि जो भी डाटा वगैरह वो सारा शेयर किया जाता है कि तमिलनाडु दोनों स्टेट के द्वारा कि हाँ भाई देखो हमारे यहाँ पे बारिश ऐसी हो रही है, यहाँ पे इतने तालाब वगैरह भर गए हैं, तो ये नदी की सिचुएशंस है, तो मतलब सारा डाटा एक तरह से इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ ही क्रॉप के बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि देखो इस बार पानी अच्छा है तो कोई बात नहीं, आप फसल है वो ज़्यादा पानी वाली पैदा कर सकते हो आसपास के एरिए में, या अगर पानी कम होगा तो आप यहाँ पे कम पानी वाली फसल पैदा करो ताकि पानी की जो डिमांड है वो कंट्रोल हो सके और ऐसी चीज़ों पे फोकस है वो किया जाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग के द्वारा हर 10 दिन में ये देखा जाएगा अभी कि हाँ भी पानी का फ्लो कैसा है, कैसे हमें इसको यूज करना है, दोनों स्टेटों के बीच में सर्वसहमति है वो बनाई जाएगी। तो दोनों स्टेटों को थोड़े थोड़े इश्यू भी रहते हैं, जैसे तमिलनाडु का कहना है कि भाई हमें पानी ज़्यादा चाहिए, और उधर कर्नाटक का कहना है कि देखो हमें भी पानी ज़्यादा चाहिए और हमें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है ये वगैरह, तो उन चीज़ों से सोल्यूशन कोई नहीं निकलने वाला। अभी जो अथॉरिटी बना दी गई है इसको मिल बैठ के बातचीत करनी चाहिए, दोनों स्टेट हैं वो बातचीत के द्वारा इस चीज़ का सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। मानसून अच्छा है तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं होने वाला, बट जैसे अगले साल हो सकता है मानसून थोड़ा वीक हो, तो उस कंडीशन में अगर ये बॉडी या ये अथॉरिटी मिलकर काम करे दोनों स्टेट के साथ, कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे को, तो रिलेशन और ज़्यादा अच्छे होंगे और दोनों स्टेटों के बीच में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी विवाद है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारे इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट हैं वो बताए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल हुआ है इंडिया यूएसए के रिलेशन के बारे में है, तो इसको हम देख लेते हैं, और वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी थोड़ी बातें यहाँ पे की गई है। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ, इसके साथ ही कुछ दो चार पॉइंट हैं वो पहले के जो आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं उनके पॉइंट भी हम यहाँ पे रिवाइज है वो कर लेंगे। अभी रिसेंटली बात ही की गई है कि देखो यूएसए की जो पॉलिसी है ना, वो यूएसए को खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि ट्रंप को खुद कन्फ्यूज है कि वो किसके साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं, किसके साथ नहीं करना चाह रहे। कंसर्न देखा जाए तो इंडिया और यूएसए में भी इश्यूज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? एक तो ट्रेड वार जैसा सीन है वो हालात हो गए हैं, इसके साथ ही यूएसए कभी तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं कभी इंडिया को अपोज करते हैं, तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे रिसेंटली एक बात की जा रही है कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है कि देखो अभी रिसेंटली इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग होना था। उस 2+2 डायलॉग में कौन कौन होते हैं? एक तो डिफेंस मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर, दोनों कंट्रीज के, ये दोनों आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और रिलेशन को इंप्रूव करने पर फोकस है वो किया जाता है। बट राइटर कह रहे हैं कि देखो अभी ये मीटिंग होनी थी 4 जुलाई को, बट अभी ये मीटिंग नहीं हुई और इसको पोस्टपोन कर दिया गया और कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है। तो इसके बारे में हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि यूएसए ने कोई वैलिड रीज़न तो दिया नहीं है, ऐसे ही इधर तो बातें गोलमोल की गई हैं, तो विदाउट रीज़न इसको एक तरीके से कैंसिल या बोलो कि सस्पेंड करना, या फिर आप बोलो कि एक तरीके से मतलब कैंसिल सा कर दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, या तो कोई वैलिड रीज़न देना चाहिए था। इसके बाद में राइटर का कहना है कि यूएसए वो खुद सच में कन्फ्यूज है कि उसे रिलेशन किसके साथ इंप्रूव करना है, क्योंकि अभी ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि यार इंडिया के साथ तो रिलेशन चलो कोई बात नहीं ठीक ठाक अपन देख लेंगे, बट अभी अगर हम वोट बैंक को लुभाना है हमें, तो इसलिए बेटर ये है कि हम थोड़ा रशिया के साथ हमारे रिलेशन है उनको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, और नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ताकि जो भी डिफरेंसेज हैं वो दूर हो सकें और हमारा मामला सेटल हो सके। तो एक साइड तो यूएसए के कुछ सोचना ऐसा है, फिर वहीं यूएसए की जो वहाँ की आम जनता है अगर वो विरोध करती है रशिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करने में, उस कंडीशन में कभी वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बात करें हम चाइना के मामले में, तो यूएसए की जो ही चाइना की पॉलिसी आती है तो उस मामले में इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जबकि बात आ रही है अभी रसिया और नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन की, उस मामले में वो इंडिया को थोड़ा पीछे रख रहे हैं। तो राइटर के द्वारा ये कहना है कि यूएसए कन्फ्यूज है, यूएसए ना तो ये सोच रहा है कि हमें करना क्या है, और दोनों ही कंट्री हैं ना वो एक तरीके से ग्रेट कंट्री की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इंडिया वो भी एक ग्रेट कंट्री की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, और इसलिए अहम बात यह है कि देखो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं वो भी इसमें कदम बढ़ाते जा रहे हैं। जबकि बात करें यूएसए के ट्रंप की, तो यूएसए के जो ट्रंप साहब हैं वो तो हमारी हमेशा ही पॉपुलिज्म को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई लोक लुभावनवाद के थ्रू हम मामला सेटलमेंट कर लें और बस लोगों के वोट हैं,
वो ले सकें। इसके बाद में बात यह आती है कि देखो ट्रेड के मामले में भी दोनों रियल स्टेटों में थोड़ा इश्यू आ रहा है दोनों देशों में, कि ट्रेड की जो प्रोटेक्शन की पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं यूएसए को भी नुकसान पहुंचा रही है और बाकी और अदर कंट्रीज़ हैं तो उसमें भी ग्लोबल ट्रेड को नुकसान हो रहा है। यूएसए की जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है उसमें ये प्रावधान किया है कि भाई यूएसए बाहर से चीज़ें कम इम्पोर्ट करेगा, यूएसए खुद की चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब तो ये होना कि उसने इम्पोर्ट पर लिमिट लगा दी, इम्पोर्ट पर बैरियर लगा दिया, तो वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ग्लोबल ट्रेड को इफेक्ट तो करने ही वाला है। तो वो बात यहाँ पर की गई है कि यूएसए चाहते हैं कि वो जैसे अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेके आए थे वो ट्रंप साहब कि भाई अमेरिका के लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, बाहर के लोगों को हम जॉब वगैरह देंगे, ये हुआ है। तो राइटर का कहना है कि ऐसी छोटी सोच से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। अभी जो ही अभी रिसेंटली जी से उनकी मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ, तो उस जी से उनकी मीटिंग में भी एक ट्रेड वार जैसा माहौल छिड़ गया था, जो ओल्ड लीडर थे उन लोगों को एक दूसरे पर ब्लेम लगाया गया था। जैसे कि इंडिया में भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि हाँ नहीं यार पहले की पार्टी ऐसी थी, उन्होंने ऐसे ऐसे किया इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। वही काम वहाँ पर हो रहा है यूएसए में कि देखो पहले की पार्टी थी, ओबामा ने अच्छा काम नहीं किया, उनकी वजह से हमारे रिलेशन रशिया के साथ इंप्रूव नहीं हुआ, ये वगैरह। मतलब एक जो पुराने लीडर्स हैं उनको ब्लेम कर रहे जा रहा है, तो उससे कोई सोल्यूशन निकलने वाला, जो गलती हो चुकी है पीछे की उनसे हमें सबक लेते हुए आगे उनको हमें सुधारना है, तभी हमें ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। जिससे उनकी जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में भी यूएसए वो बीच में आ गए थे क्योंकि हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे मीटिंग में, ना ही कोई कंक्लूजन वगैरह निकल पाया था। मतलब देखो इन सारे पॉइंट से हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि यूएसए खुद सच में कन्फ्यूज है कि भाई उसे करना क्या है और कर क्या रहा है। इसके बाद बात की जा रही है कि यूएसए चाह रहा है कि यार एक साइड तो कि रशिया के साथ जो कोल्ड वार के बाद जो हालात हो गए हैं खराब, उनको अगर हम इम्प्रूव कर लें और नॉर्थ कोरिया को अगर हम प्रायोरिटी दे दें तो हमारा मामला बन सकता है और हम एक अच्छी दिशा में पॉपुलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं और अगली बार फिर यूएसए में प्रेसिडेंट का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा ट्रंप साहब का। अब बात की जा रही है कि चाइना के काम में, देखो चाइना की पॉलिसी कुछ अलग है। चाइना हमेशा अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोकस करना है, चाइना को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि यार कौन सी कंट्री क्या करे कौन सी कंट्री ना करी, वो हमेशा सिर्फ अपने फायदे देखते हैं और अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी रिसेंटली जो ही नॉर्थ कोरिया का इशू हुआ था उस टाइम पर यूएसए ने और बाकी कंट्रीज़ ने नॉर्थ कोरिया पर सेंक्शन लगा दिए थे कि भाई इनके साथ कोई ट्रेड वगैरह नहीं करेगा, बट चाइना ने अपना ट्रेड जारी रखा। क्यों? क्योंकि चाइना अपने रिलेशन यूएसए और बाकी कंट्रीज़ के चक्कर में नॉर्थ कोरिया के साथ क्यों खराब करता। तो मतलब बात ऐसी यहाँ पे कि चाइना सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस करता है, जबकि यूएसए क्या है आजकल कामों मामलों में उलझ गया है और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सारे मामलों में उलझ के रह गया है और इसकी वजह से चाइना है वो लगातार एक ग्लोबल ऑर्डर या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद में बात आती है यूएसए की जो लॉ वगैरह। देखो यूएसए का जो एक लॉ है डिफेंस का लॉ जिसके बारे में हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, वो कानून ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के साथ डिफेंस रिलेशन रखेगी तो उसके साथ यूएसए वो सेंक्शन लगा देगा। जैसे कि इंडिया का आपको पता है कि रशिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं या डिफेंस रिलेशन अच्छे रख रहा है, तो उस कंडीशन में यूएसए है वो इंडिया के ऊपर सेंक्शन लगा सकता है। तो राइटर का कहना है कि देखो ऐसे एक्ट बनाने से तो और ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसे भी रिसेंटली बात की गई थी, यूएसए ने कहा था इंडिया को कि भाई आप जो डिफेंस सिस्टम ले रहे हो रशिया से उसकी वजह आप हमारा डिफेंस सिस्टम ले लो। जो यूएसए का डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है थार्ड और जो रशिया का डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400, तो ये एक्चुअली इंडिया ने रशिया से लिया। तो ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यूएसए बार बार इस तरीके से सेंक्शन वगैरह लगाने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से कोई भी कंट्री उसका ढंग से साथ नहीं देना चाहती। किसी टाइम पे पाकिस्तान यूएसए का काफ़ी क्लोज हुआ करता था और आज के टाइम पे पाकिस्तान भी यूएसए से काफ़ी दूर है, वो हो गया है। इसके बाद में बात की जाए कि देखो चाइना के बदले में सपोर्ट है कि और वो इंडिया को करते हैं, तो वो बात यहाँ पे रेटर कह रहे हैं कि यूएसए को भी जहाँ थोड़ा बहुत फायदा दिखता है वहाँ तो उनके दिमाग में काम चल जाता है, अदरवाइज़ वो भी रिलेशन को ऐसे ही रख रहे हैं। तो ये थे कंप्लीट आर्टिकल कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ दो पॉइंट्स हमने पीछे के आर्टिकल के भी डिस्कस किए हैं। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।